फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग का टाइम है तो देखिए मेरे मॉस रोज कितने ही प्यारे से ओपन हुए हैं। और ये मेरा थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है, इसमें रेड कलर के बहुत ही प्यारे से फ्लावर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये रेड कलर का मेरा मॉस रोज। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मॉस रोज बहुत ही अच्छे से ओपन होते हैं और जब मैं इवनिंग में बनाती हूँ वीडियो तो अक्सर फ्रेंड्स मॉस रोज बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उस समय मैं आपको शो भी नहीं कर पाती अपने मॉस रोज। और देखिए इसमें सन रोज भी कितने अच्छे से ब्लूमिंग है, कितने प्यारे से फ्लावर खिले हैं सन रोज के भी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिन में जब हमारे मॉस रोज खिले रहते हैं तो गार्डन की ब्यूटी ही बिल्कुल अलग रहती है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमारे मॉस रोज ओपन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई मॉस रोज की बात। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो एक पेस्टिसाइड के ऊपर है, जो होममेड पेस्टिसाइड हम अपने घर में कैसे बनाएं अपने फ्लावरिंग प्लांट और बाकी सारे वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स सभी के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जैसा कि आप जानते हैं हमारे कीड़े मकोड़े भी बहुत ही जल्दी पनपते हैं और हमारे प्लांट्स में फंगस वगैरह की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमारे प्लांट्स की सारी समस्याओं को दूर करे और सारी समस्याओं का सिर्फ एक सल्यूशन हो। तो फ्रेंड्स, वो हम अपने होममेड पेस्टिसाइड से कर सकते हैं और वो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए हम नीम का इस्तेमाल करेंगे, नीम के लीव्स का। और नीम के लीव्स को हम अपने प्लांट्स में कैसे अप्लाई करें, उससे पेस्टिसाइड कैसे बनाएं, वो आज सारा प्रोसेस मैं आपसे शो करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा एक बल्ब जो मैंने इसमें लगाया था और ये काफ़ी प्यारा सा फ्लावर इस समय खिल रहा है। और जब ये ओपन हो जाएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपको इसके बल्ब भी देख सकते हैं। पूरी तरीके से मिट्टी में नहीं है लेकिन इसकी जड़ काफ़ी अच्छे से हो गई है, तो मैं थोड़ा मिट्टी में और इसमें मिट्टी डालूंगी इसके जड़ में और जब ये फ्लावर खिल जाएगा तो मैं आपसे शो करूंगी। फ्रेंड्स, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है, अगर आपको किसी को भी इसका नाम मालूम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अपने घर में हम नीम की पत्तियों को लेकर कैसे पेस्टिसाइड बनाएं, आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। और प्यारे प्यारे से मॉस रोज को दिखाने के लिए ही मैं आपको मैं छत पे आई थी इस समय। और फ्रेंड्स, इस समय मैं अपना होममेड पेस्टिसाइड बनाऊंगी और उसकी एप्लीकेशन मैं फ्रेंड्स शाम को करूंगी और नेक्स्ट डे भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस समय पेस्टिसाइड बना लेते हैं तो वो शाम तक रेडी हो जाएगा हमारे प्लांट्स पे अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं अपना होममेड पेस्टिसाइड। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख रहे हैं ये है हमारी नीम की पत्तियाँ। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो इसमें नीम का फल भी लगा हुआ है, ये देखिए, और इसी से नीम का तेल बनता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है ये आपके पेस्टिसाइड के लिए। और आप अपने जब इस पेस्टिसाइड को बनाएं तो ये जो फल है इसको भी इसमें डाल दें ताकि इसके जो सारे गुण हैं वो सारे इसमें आ जाएं। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हम पहले इसमें जो भी हमारी ख़राब पत्तियां हैं उनको हटा देंगे और जो अच्छी अच्छी पत्तियाँ हैं और जो इनके फल हैं उन सबको फ्रेंड्स हम एक इस तरीके से बकेट में निकाल लेंगे और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से हम धो लेंगे, वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी डस्ट बैठा है, धूल मिट्टी, वो सारे हट जाएं ताकि हमारा जो पेस्टिसाइड है वो काफ़ी अच्छा बने। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी सारी पत्तियां तोड़ लेती हूं, उसके बाद आपसे मिलती हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारी नीम की पत्तियाँ जो हैं यहाँ पर इसको निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, ये एक बकेट पानी पूरा मैं गर्म कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से पानी को उबाल लेना है। और खौलते हुए पानी में मैं ये गर्म पानी में ये जो है सारी पत्तियाँ धुल के अच्छे से पहले इसको मैं वॉश कर लूँगी ताकि डस्ट निकल जाए। और गर्म पानी में मैं इसको पूरा सोक कर दूँगी और ये पूरा मेरा
10 से 12 घंटे तक सोख रहेगा। और उसके बाद इसका जो पानी है वो मैं स्प्रेयर में भर के अपने सारे प्लांट्स में दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक मेथड है अपने नीम के लीव्स से पेस्टिसाइड बनाने का। और फ्रेंड्स, सारी पत्तियों के साथ जो ये हमारी हरी वाली टहनियाँ निकलती हैं, इसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसमें डालूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने ये जो हमारी महीन महीन जो डंडियाँ थी इसको भी मैंने काट के इसमें डाल दिया है। सिर्फ हम ये महीन वाली डंडी यूज़ करेंगे, जो इस तरीके से मोटी डंडी है इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मुझे इसका फल मिला है, मैं इसका क्या करने वाली हूँ, उसको मिक्सी में मैं बहुत अच्छे से पीस लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा इसमें मिला लूँगी और थोड़ा इसका मैं अलग से पेस्टिसाइड बनाऊँगी। तो वो कैसे बनाऊँगी वो भी मैं आपसे शो करूँगी। पहले मैं इसको मिक्सर में पीस लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसके साथ फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसमें लहसुन की कलियाँ भी पीसूँगी और दो तीन हरी मिर्ची भी पीसूँगी, वो भी बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड बनेगा। फ्रेंड्स, ये एक अलग पेस्टिसाइड मेरा बनेगा और ये जो हमारा नीम का पानी वाला है वो अलग पेस्टिसाइड बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ एक साथ कि हम जो अगर हमें ये फ्रूट्स मिल जाएँ तो उसका पेस्टिसाइड कैसे बनाएँ, तो वो भी मैं आपसे अभी शो करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने इसे गर्म पानी में भिगो दिया है और अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा है लेकिन फिर भी ये बहुत अभी गर्म है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे रख दूँगी अच्छे से ढककर, और जब मैं इसे 24 घंटे के लिए इसे रख देना है और उसके बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपका जो ये पानी है ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। अभी भी आप देखेंगे तो थोड़ा ये देखिए कितना अच्छा पानी का कलर हो गया, एकदम बिल्कुल जितने भी नीम के जो भी तत्व हैं वो सारे हमारे पानी में आ गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये पानी उबाल के उसमें सारी नीम की पत्तियाँ डिप करके ढक दी थी, मैंने इसे उबाला नहीं है। तो बहुत लोग इसे उबाल के भी बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बहुत उसमें स्मेल आती है। आप बहुत तेज़ गर्म पानी में इन सारी नीम की पत्तियों को डाल दें और उसके बाद थोड़ी देर ढक दें तो इसके सारे तत्व इसमें खुद ब खुद आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये पानी आप इस्तेमाल करने के बाद इन पत्तियों को दोबारा से गर्म पानी में फिर से डाल सकते हैं। इन पत्तियों को आप फेंकें ना, और बस बिल्कुल इसे छान के आपका ये बिल्कुल रेडी है ये पेस्टिसाइड। और इसे जो है आप अपने स्प्रेयर में भर के अपने सारे प्लांट्स में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है, आपके सारे प्लांट्स की जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको दूर कर देगा, जो आपके मेलीबग्स हैं, वाइट इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लैक इफ़ेक्ट्स हैं, जो वाइट फ्लाइज होती हैं जो हमारे, वो सारे जितने भी तरीके के कीड़े मकौड़े हमारे बरसात में डेवलप हो जाते हैं हमारे प्लांट्स में, उन सब का एक उपाय हमारा ये नीम सॉल्यूशन है। और बहुत ही अच्छा है, ये हमारा होम मेड पेस्टिसाइड है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और फ्रेंड्स, जब हम बाहर के यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट्स में, तो फ्रेंड्स होता क्या है, हमारे प्लांट्स में कुछ दिनों तक फ्लावरिंग नहीं होती है, वो इतने तेज़ होते हैं कि हमारे प्लांट्स भी थोड़े कभी कभी उससे डैमेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का हम अगर अपना होम मेड यूज़ करें, इस तरीके से ऑर्गेनिक है ये बिल्कुल, और हमारे प्लांट्स को कोई भी इससे नुकसान नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है अपने सारे प्लांट की बीमारियों का। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड तो हमारा ये हो गया। तो इसको हम एक दिन में ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैंने आज बनाया है और ये आज रात भर मैं इसे अपने इसी बकेट में छोड़ दूँगी, और थोड़ा स्प्रे मैं अभी शाम को भी करूँगी और थोड़ा कल जब ये बहुत ही अच्छे से इसमें हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें पानी और गर्म करके भर दूँगी और रात भर इसे छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं इसे दो तीन दिन लगातार अपने प्लांट्स में अप्लाई करूँगी। और आप हर हफ्ते इसका अप्लीकेशन करिए अपने प्लांट्स में बरसात के मौसम में। तो फ्रेंड्स, ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारे नीम के फूल थे उनको देखिए, मैंने उसमें लगभग 100 ग्राम तक लहसुन लिया है और इसमें मिर्ची ली है दो, और इसमें हम ये दही मिलाएंगे अपना, ये मेरी बहुत ही खट्टी दही है और इसको हम मिला लेंगे, और इसमें हम अपना लेमन भी, एक लेमन इसमें आप इसमें रस का डाल दीजिए।
और फिर फ्रेंड्स हम अपने इस सॉल्यूशन को लगभग 2 लीटर पानी में डाल लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड आपका बनके तैयार होगा। और लहसुन के गंध से फ्रेंड्स होता क्या है, जो भी हमारे मिलीबग हैं और इंसेक्ट्स हैं या फिर वो चींटियां हैं, अक्सर हमारे प्लांटर के नीचे जो है वो चींटियां जो हैं काफ़ी सारी इकट्ठा हो जाती हैं, उन्हें वहाँ पे ठंडक मिलता है। समर में अक्सर हमें आंट्स की प्रॉब्लम, चींटियों की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है सारे तरीके के इंसेक्ट्स को भगाने का। लहसुन के गंध से फ्रेंड्स वो सारे जो हमारे कीड़े होते हैं वो सारे जो है वो भाग जाते हैं। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हम इस सॉल्यूशन को रख देंगे अपने, लगभग ये 2 लीटर का बॉटल मेरा है और इसमें भर के हम रख देंगे। लगभग 7 दिनों के लिए हम इसे रख देंगे और 7 दिन बाद जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें स्ट्रेनर से इसे छान लेना है और इसकी पानी की मात्रा हमें ट्रिपल कर लेनी है। इसमें जो है हमें और भी पानी मिला लेना है। लगभग ये हमारा 2 लीटर है तो इसमें हम 6 लीटर 7 लीटर पानी और मिला लेंगे और उसके बाद हम अपने सारे प्लांट्स में इसे स्प्रेयर से स्प्रे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जो है आप 7 दिन आपको वेट करना होगा इस सॉल्यूशन को यूज़ करने के लिए। और ये भी बहुत ही बेस्ट पेस्टिसाइड है आपका होममेड, जो आपकी सारी प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये आपके प्लांट्स भी बहुत हैप्पी रहेंगे फ्रेंड्स इस पेस्टिसाइड को यूज़ करने के बाद। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस रेनी सीजन के लिए। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यूर फ्रेंड्स। बाय।